Hey guys, Rohan Wirthi here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? मैं Best Buy आया हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है और इसीलिए मैं 4-5 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ. इसलिए मैं अभी Best Buy में आया हूँ, देखता हूँ कि जो मुझे लैपटॉप चाहिए वो कितने का मिल रहा है, या फिर मेरा जो पुराना वाला लैपटॉप है वो रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर नया ही लैपटॉप लेना पड़ेगा. और मेरे साथ आया है माय ब्रदर रोहन हियर. मास्क पहन के रेडी है और मास्क पहन रहा है. सब फोन जो है यहाँ पर ही है ब्रो. ये क्या फोन है? ये सैमसंग का है ना? सैमसंग गैलेक्सी ना, फोल्डेबल फोन है. ये मैक का सेक्शन है. यहाँ पर तो लैपटॉप है नहीं यार. बाकी दूसरी कंपनीज के सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं, बट मैकबुक ही नहीं है यार यहाँ पर. यही है. सो इंडिया में कैसा अपना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होते हैं. यहाँ पर अभी मैं अमेरिका में हूँ. अगर आप लोग पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो यहाँ पर बेस्ट बाय ना सबसे बड़ा अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है. यहाँ पर आपको सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए ना सब मिल जाएगा यहाँ पर. 16 inches. Yeah. तो यहाँ पर ये बंदा मिला, इससे बात करके देखते हैं. Yeah, so there's different ones that you can look at right here. So this one is 16 GB RAM, 1 TB SSD, and this one is like 2,799. Mm-hmm. And this is like 512 is 2,399. अभी फर्स्ट टाइम वो बोला मेरे को उसने कि चोरी हो जाते हैं यहाँ से. अच्छा, पहली बार मैंने ऐसा सुना है. अबे निकालेगा तो. तेरे पास कौन सा लैपटॉप है अभी? MacBook Pro ही है. नया वाला, आई मीन नया वाला मतलब लास्ट ईयर वाला है. अच्छा, देखते हैं क्या बोलता है और कितने का तो पता लग ही गया यार. थोड़ा मैं देखा है, थोड़ा महंगा है यार, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा. और ये अभी ये कोरोना वायरस ने ना पॉकेट भी थोड़ी टाइट कर दी है. So we don't have any of the 16-inch ones on stock right now, okay. But we can order one for you if you... So you can order it? Yeah, we can order that. तो देख लिया हम लोगों ने अंदर. बजट में ओके था, थोड़ा महंगा था. मेन बात तो ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है. किसी दूसरे स्टोर में जाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा, और एप्पल स्टोर में जाऊँ तो वहाँ पर भी बहुत टाइम लग जाएगा. इसीलिए अभी सोचता हूँ कि यार उसकी जो बैटरी है वो खुद ही चेंज करने की कोशिश करता हूँ. अगर चेंज होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो लास्ट ऑप्शन वही रहेगा कि यहाँ से ही ऑर्डर करना पड़ेगा और मंगवाना पड़ेगा. तो अभी मैंने ये माइक ऑर्डर किया था, इसका ट्राईपॉड ऑर्डर किया था और एक लेंस मंगाया था. और अभी अगर मैकबुक खरीदने जाऊँगा ना तो पॉकेट ढीली हो जाएगी मेरी. एक कोशिश करता हूँ कि उसकी बैटरी खुद ही चेंज कर लूँ. और तूने पूछा क्या उसको बैटरी चेंज करेंगे खुद से कितना पैसा चार्ज करेंगे? यहाँ पर बहुत महंगा है तो हम लोगों को जुगाड़ निकालना पड़ेगा उस चक्कर में. खुद से ही करते क्या? खुद से ही करते हैं, ट्राई करते. चलो अभी घर पहुँचा हूँ और अभी अमेजोन में जाता हूँ और ऑर्डर करता हूँ. जो भी अच्छी बैटरी दिखेगी वो ऑर्डर कर दूंगा. मैंने देखा था यूट्यूब में कि बैटरी कैसा चेंज करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है. तो कहानी स्टार्ट होती है 4 दिन पहले, जब मैंने मेरा कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश की. ऑन हुआ पर फिर बंद हो गया, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया, फिर ऑन हुआ फिर बंद हो गया. तो मुझे फिर डायग्नोस किया तो पता लगा कि मेरे जो लैपटॉप की बैटरी है ना वो डेड हो गई है. तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, एप्पल सेंटर लेके जाऊँ, बट वो लोग पहले तो अपॉइंटमेंट लेना ही 4-5 दिन लग जाएंगे अपॉइंटमेंट लेने में, उसके बाद फिक्स करने को इसके वो लोग कम से कम 15 दिन ले रहे थे और $500 ले रहे थे वो लोग रिपेयरिंग का. ज़्यादा भी लग सकता था, कम भी लग सकता था. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शर्ट क्यों पहनी है, क्योंकि आज मैं अपना लैपटॉप फिक्स कर रहा हूँ. थोड़ा एग्जीक्यूटिव दिखना ज़रूरी है. इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ, इंजीनियर जैसा दिख तो सकते हैं ना शर्ट वर्ट पहन के. आपको नॉलेज नहीं है ना कंप्यूटर्स के बारे में और कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो प्लीज़ ये वाली चीज़ें घर पे मत करना, किसी स्पेशलिस्ट को देना. क्या कर रही है? पपाया काट रही है छुरी से ना? नहीं, तो काटूंगी ना. तो जब हम लोग लैपटॉप खोल रहे थे
वो खोलने के बाद जब हम लोग बैटरी निकाल रहे थे ना, तो बैटरी निकालने का कुछ तरीका होता है, उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। बैटरी इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव और वो डेंजरस भी हो सकता है, आप उसको मेटल घुसा नहीं सकते उसके अंदर। और इसीलिए मैंने धागा लेके, मैं धागे से आस्ते 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 करके बैटरी निकाल रहा था, पर एक टाइम के लिए मैं साइड हुआ और रेशमा जी ने ये किया। ये हो गया, ये हो गया। अभी देख क्या क्या निकाल रहे हो। अच्छा, वो हीट लगा के भी खोल रहे हैं। इसको निकाला तुमने? तुमने को लगाया लोहा? हाँ, लोहा निकालने का। और फिर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लिया, बैटरी के नीचे हल्के से घुसाया और फिर बैटरी बाहर आ गई। उसके बाद मैंने ये बैटरी मंगाई थी, इसकी पहले वाली, वो बैटरी इसके अंदर डाली, फिक्स किया और बैटरी चली, बराबर चली। लेकिन जैसे ही 100% चार्ज हुआ, मैं चार्जिंग से निकाला, वैसे ही फटाफट बैटरी डाउन हो गई वापस से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसकी गम है ना बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने सोचा कि ये गम है जो ना इसकी ना, ये चिपक जाएगी, एकदम स्ट्रांग चिपक जाएगी, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे बैटरी चेंज करानी है तो मैं उसको निकालता हूं और इसके नीचे कुछ प्लास्टिक लगाता हूं और फिर इसको वापस से लगा देता हूं, ताकि मैं जब ये रिटर्न करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से निकल जाएगी। पर जब मैं वापस से उसको निकाल रहा था ना, वापस से बैटरी के अंदर कुछ गड़बड़ होगी और वापस से धुआं आना चालू हो गया बैटरी के अंदर। बट मैंने कैसे कैसे करके बैटरी निकाल दिया। अभी जो बैटरी आई है वो आई है निंजा बैट से। अभी ये वाली बैटरी है, ये हम लोग फिक्स करेंगे इसके अंदर। तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, उसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना है, कुछ सीखना है ना, तो पहले यूट्यूब वीडियोस देखना, अच्छे से जानकारी लेना और फिर बाद में कुछ भी करना, नहीं तो इट इज़ नॉट सेफ। ओके, अभी जो भी होगा यही बैटरी है, अगर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो यही रखूँगा मैं। तो इसीलिए मैं इसका जो ये प्लास्टिक का कवर है ये मैं निकाल रहा हूँ, ताकि अच्छे से चिपक जाए नीचे और बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये सला पकड़ो, मैं इसको ये पकड़। गया पसीना आ गया, होपफुली बन जाए। सो अभी इसको यहाँ पर फिट करना है और इसके ऊपर ये वाला स्क्रू लगा हुआ था। बैटरी तो फिक्स हो गई, अब इसका कवर लगा देता हूँ। आई है वो घड़ी रिजल्ट की, थोड़ा सस्पेंस है इसमें कि ये जो लैपटॉप है मेरा, ये चालू होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो दूसरा लैपटॉप खरीदने हम लोग को जाना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। अगर हो गया तो वाहेगुरु जी का बहुत बहुत लक लक शुक्र है। ये बटन दबा रहा हूं, बैटरी डाउन है, चार्ज पे लगाते हैं इसको। मतलब हाँ, कुछ तो रिजल्ट आया है। तो इसको चार्ज पे लगाता हूँ और अब देखते हैं। तो चार्ज हो रहा है और ऑरेंज लाइट चालू है। तो नीचे इसको चार्ज पे रखा था मैंने, नीचे चार्ज हो रहा था 15 मिनट, पर ऑन नहीं हो रहा था। इसको दबा दबा के रखा मैं, ऑन नहीं हो रहा। और अभी इसको ऊपर लेके आया था, मुझे लगा कि ऑन हो जाएगा। अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक ऑन नहीं हुआ है यार, लगता है लंबा फटका होने वाला है। आपको क्या लगता है, ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है? एक्चुअली ऑन हो गया, आई वाज जस्ट प्लेइंग विथ यू ऑल। सीरियसली यार, मज़ा आ गया।
$70 में मेरा काम निपट गया, नहीं तो $500 से $600 का फटका पड़ जाता था, वो भी नहीं तो 2500 का फटका पड़ जाता था अगर नया लैपटॉप लेने जाता था। क्या हो रहा है, क्या है ये? मम्मी ने करंजी, शेक, चटनी, लाडू और चूड़ा ये सब भेजा है बॉम्बे से। बॉम्बे से आया सब कुछ? सब कुछ। ये क्या है? ये करंजी है और मम्मी ने चटनी भेजी है, वो एक्चुअली अक्की थी, वो पैकेज में उसके टुकड़े हो गए, बड़ी अच्छी है। और चूड़ा भेजा है मम्मी ने। और यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसके लिए मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भेजे, मेथी वाले। यार क्या बात जो है, जो सब खाएंगे बैठ के। करंजी थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, अभी देखते हैं। दिवाली आ रही भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा आप लोग को सिर्फ अपडेट देना था, क्योंकि 4 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, यही कारण था कि वीडियो नहीं आ रही थी। अभी क्या करना है मुझे, जो इसकी जो पुरानी बैटरी है यहाँ पर पड़ी है, वो जाना है मुझे रिटर्न करने के लिए। और यहाँ की अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास जो ख़राब प्रोडक्ट आता है, आप रिटर्न करने की कोशिश कर सकते हो। मैं रिटर्न करूँगा, अगर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई बात नहीं है। ये एंट्री ना, तो अभी मैं ये बैटरी रिटर्न करने अकेला आ रहा था, लेकिन रोहन भी रेडी था, तो मैं बोला चलो रोहन वापस चलते हैं। पहले हम लोग बेस्ट बाय आए थे और अभी कूल्स में आया, चल देखते हैं। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, रिटर्न हो जाएगा तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्रिसमस आ गया लेकिन पब्लिक नहीं है शॉप में, बहुत बुरा लग रहा है ये टाइम पे देखने के लिए पूरे मॉल से। नॉर्मली क्रिसमस में तो इतने सारे लोग होते हैं यार। तो अभी यहाँ पर कोल्स का अच्छा सेक्शन है, पहले भी जब पहले लास्ट ब्लॉग बताया था उसमें बताया था कि यहाँ पर अमेज़ॉन का एक ड्रॉप ऑफ रहता है, देख लो ये रहा अमेज़ॉन का ड्रॉप ऑफ, तो आप लोग वहाँ पर जाके दिख रहा है अमेज़ॉन ड्रॉप ऑफ, सीधा जाना है और इसके दे देना है और मेरा रिटर्न हो जाएगा कम्प्लीट। तो यहाँ का रिटर्न का ये अच्छा लगता है, यहाँ पर आओ अपना पैकेज रिटर्न करो और घर पर चले जाओ। अगर आपको पैसे आपके ओरिजिनली अकाउंट में चाहिए तो वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर 3-4 दिन लगता है। अगर आपको अमेज़ॉन में बैलेंस चाहिए तो वो तो फटाफट 5-10 मिनट में हो जाता है, तो मैंने अमेज़ॉन में बैलेंस ले लिया क्योंकि अमेज़ॉन से मैं बहुत सारी शॉपिंग करता ही रहता हूँ। लेट्स गो होम। पुराना है 2015 का लैपटॉप है, बट अभी भी 1080p पे मैं जो भी शूट करता हूँ सोनी कैमरा से, मेरे वो प्रॉपरली फ्रीली एडिट कर देता है। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना, आई विल गेट हाईली मोटिवेटेड टू मेक सच ब्लॉग्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग को सिर्फ अपडेट ही देना था कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।